हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा फैन बनाने वाले हैं जो ना ही तो सोलर पैनल से चलेगा, ना ही किसी बिजली से चलेगा और ना ही किसी बैटरी से चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फिर किससे चलेगा, तो वो पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस फैन को बनाने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास है यहाँ पर इस तरह की गियर मोटर, और ये गियर मोटर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर वीडियो के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वीडियो के नीचे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है 300 RPM की मोटर, जिसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें इस तरह की आवाज़ आती है घुमाने पे, और ये बिल्कुल इजीली इस तरह से घूम जाती है, ठीक है, हाथ से घुमाने से। और इसी तरह से यहाँ पर ये वाली जो गियर मोटर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 500 RPM की है, और ये है 300 RPM की। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हाथ से घुमाने से इस तरीके से नहीं घूमती है। इन दोनों में से मैं एक मोटर यूज में लेने वाला हूं, 300 वाली ले रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इस मोटर में बहुत ही अच्छे वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो यहां पर हम फिलहाल ये वाली मोटर लेने वाले हैं, इनको मैं एक साइड में रख देता हूं। इसी तरह से फ्रेंड्स, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 555 यानी 555 DC मोटर है, ये भी 12 वोल्ट की है, और फ्रेंड्स ये भी 12 वोल्ट की है, और इसको सबसे पहले हम काम में लेने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक पाइप का टुकड़ा ले लिया हूँ, PVC पाइप का टुकड़ा है, सैनिटरी शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। और इसकी जो लंबाई है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 40 mm का है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पाइप है ये भी सैनिटरी शॉप से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है 15 इंच का, ठीक है, देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोटर को इसके अंदर इस तरह से फिक्स करेंगे। थोड़ी सी ढीली है, लेकिन हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। और इससे पहले यहाँ पर ये जो पाइप है ना, इसको हम इस तरह से फिक्स करेंगे छेद निकाल के। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा कर लेते हैं, मोटर को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और इस पाइप को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका दिया है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मोटर को इसमें फिक्स करने से पहले हम मोटर के साथ वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस वायरिंग को हम इस पाइप से डाल के यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, जैसे एक सीलिंग फैन के पाइप के अंदर वायरिंग की जाती है उसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने वायरिंग निकालने के लिए छेद कर लिया है, और इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी हम इस तरह से छेद कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह के ये पेपर टेप लेंगे जो कि कारपेंटर शॉप से मिल जाती है, तो इसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मोटर को फिक्स करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक स्टैंड पे लगाने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं ये एक लकड़ी का गुटका ले रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप भी इसकी तरह कोई भी बेस ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लगाने वाला हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस लकड़ी के गुटके के अंदर पाइप को फिक्स करने के लिए थोड़ा छेद कर लूंगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम इसको फिक्स कर लेते हैं।
और यहाँ पर ये जो लकड़ी का बुरादा है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से डाल लेंगे ताकि ये सुपर ग्लू के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है, ये देखिए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके लगाएंगे एक पंखी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक की पंखुड़ी लगाने वाला हूँ जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी शाफ्ट पतली है और इसकी मोटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से जब आप ये वाली मोटर लेके आओ तो वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, क्योंकि फ्रेंड्स ये इस फैन के लिए शाफ्ट है जो कि इस मोटर के साथ में मिल जाता है। ये आपको 555 मोटर के लिए भी मिल जाएगा और 775 मोटर के लिए भी मिल जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से ये आ जाता है और इसके अंदर भी यहाँ पर ये बिल्कुल इजीली आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं मोटर के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो पंखा है वो तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे कहाँ पर काम में आएगा। दुनिया में आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो बैटरी है, ना बिजली है, ना कोई सोलर पैनल है। तो ये जो चीज़ है उन लोगों के लिए एक दिव्य चीज जैसी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने ये मोटर शुरुआत में ली थी तो अब हम इसका यूज करने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक लकड़ी का गुटका ले लिया है, ठीक है, और इस मोटर को हम इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर छेद करके और इसको फिक्स कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये जो लकड़ी का गुटका है इसकी जो किनार है इसको भी हम रफ कर लेंगे घिस के। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके किनारों को हमने सैंड पेपर के द्वारा घिस दिया है ताकि ये चुभे नहीं, और यहाँ पर हमने मोटर के लिए भी छेद निकाल लिया है। अब हम इस मोटर को यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे इस तरह की साइकिल स्पोक। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी पतली है और हमें लेनी है थोड़ी सी मोटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यूज की हुई, तो ये जो साइकिल स्पोक है ये इससे मोटा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर इस तरह से ये देखिए चूड़िया है ना, कसने के लिए चूड़िया है, और ये बिल्कुल आसानी से यहाँ पर भी कस जाएगा। अगर ये यहाँ पर नहीं भी कसता तो हम इसको कैसे भी करके अच्छे से फिक्स कर देते। इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको इतना मोड़ लेता हूँ 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको 90 डिग्री के कोण पे मोड़ लिया है और अब हम इसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इस मोटर के वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरह का वायर, और ये वायर आप अपनी सुविधा के अनुसार ले लीजिएगा। फिलहाल ये वायर मैंने लिया है 10 फीट लंबा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं इस मोटर के साथ में। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मोटर है ना, किस तरह से वोल्टेज जनरेट करती है, किस तरह से वोल्टेज आउटपुट निकालती है वो चेक करवा देता हूँ मीटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है और अब यहाँ पर मैं इसको आपको घुमा के बताता हूँ कि किस तरह से ये मोटर आउटपुट निकालती है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस मोटर को हम उल्टा घुमाएंगे तो माइनस के वोल्टेज निकालेगी ये। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इन वायरों को कनेक्ट करेंगे इस फैन के साथ में। ठीक है, तो
ये किस तरह से काम करेगा मैं आपको इसकी अच्छे से टेस्टिंग करके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वायरिंग जुड़ी हुई है और अब हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं। ये देखिए, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तो फैन उल्टी दिशा में चलेगा इस तरीके से। लेकिन यार हमें उल्टी दिशा में तो घुमाना है नहीं, हमें घुमाना है सीधी दिशा में। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से टेस्टिंग करके देखते हैं। तो चलिए मैं इसको टेबल पे रख देता हूं और अब देखिए, ये 10 फीट लंबा वायर है। वायर को आप चाहे तो 20 फीट भी कर सकते हैं, जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि टेबल फैन जितनी दूर तक हवा देता है उस तरीके से ही तो आप वायर को लंबा करोगे। तो चलिए अब मैं देखिए आपके सामने इसको स्टार्ट करता हूँ। वाह मजा आ गया यार। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज जरूरत नहीं है, इसमें देखो हवा आ रही है बहुत ही अच्छे से। बैठ के करते हैं यार, हवा खाते हैं यहाँ से। वाह यार। मजा आ गया यार फ्रेंड्स। यार गजब की हवा दे रहा है यार। गुड फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरह से इसकी जो हवा है वो कितनी तेज आ रही है। तो फ्रेंड्स यार, आपको ये फ्री एनर्जी का फैन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके भी कोई सलाह या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।